हेलो एवरीवन, सबसे पहले सीयूटी ने अपना रैंक कार्ड मतलब स्कोर कार्ड डिक्लेयर कर दिया। सबसे पहले आप सबको ढेर सारी बधाइयां, और इम्पीटस के स्टूडेंट ने बेस्ट परफॉर्म किया है, 250 स्कोर आया हुआ है, आपने देखा होगा थंबनेल में, और ढेरों बच्चों के 200 और 150 175 प्लस स्कोर्स हैं। तो इन स्कोर को मैं कंपाइल कर रहा हूं, और आप सभी लोग जो ये सेशन सुन रहे हैं, जो भी इम्पीटस गुरुकुल के कोर्सेज से जुड़े हैं, अगर अभी भी नहीं भेजा है तो इम्पीटस में आप अपना रिजल्ट जरूर भेज दीजिए, जिससे वो कंपाइल करके प्रॉपरली उसका एक रैंक बन जाए। अब बात करते हैं सबसे पहले कि सीयूटी से रिलेटेड जो जो आपके क्वेश्चन हैं उनके बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये इम्पीटस के रेगुलर स्टूडेंट हैं, जया रिदम, ये इन दोनों के 250 मार्क्स हैं, और 250 मार्क्स मतलब आप समझ सकते हैं क्या होता है। अब जो आपका क्वेश्चन है मेन, उस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूं SCQP09 पे, कंप्यूटर साइंस पर, जिसमें कि 38,000 ने रजिस्टर्ड किया था और 32,000 स्टूडेंट अपेयर हुए थे, यानी अपेयरिंग कैंडिडेट कम नहीं थे, काफी थे। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ मेजर यूनिवर्सिटी जिनको लेके आप लोग पूछ रहे हैं, तो उनमें कितना इंटेक है, उसका क्या प्रोसीजर है, और अब क्या करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीयूटी को लेके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो मैंने पिछले साल भी बोला था और अभी भी बोलूंगा। और अच्छी बात यह कि सीयूटी में बच्चों ने, आप लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, और किसी बच्चे ने, कई बच्चे ऐसे भी जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं था क्योंकि टारगेट निमसेट था, और उन्होंने मैथ्स और एलआर में भी अच्छा स्कोर किया। मैं सबसे पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं, यदि आपका टारगेट सही में अभी भी एनआईटीज ही है, तो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए, अपना फोकस मत हटाइए, क्योंकि अगले 1-1.5 महीने सीयूटी से रिलेटेड बहुत सारी न्यूजें आने वाली हैं। अगर आप इसमें उलझ के रह गए तो हो सकता है आप निमसेट से हाथ धो बैठे, इसलिए बेटर है इस बात पे ध्यान दें। जैसे सीयूटी का बैच चला, सीयूटी का क्रैश कोर्स चला, कंप्यूटर का सिलेबस हुआ, मैथ्स का हुआ, और आपने परफॉर्म किया, वैसे ही निमसेट का सिलेबस चला, मैजिकल कोर्स या मास्टर या फास्टैग कोर्स से जुड़े होंगे, इसमें भी सिलेबस होगा, इसमें टेस्टिंग भी हो रही है, टेस्ट पेपर के एनालिसिस भी हो रहे हैं, पर डे 4 to 6 आवर क्लासेस हो रही है, जो कि नॉर्मली लोग साल भर में जितना कंटेंट नहीं दे सकते वो हम अगले 3 महीने में आपको देने वाले हैं। आप इसमें भी परफॉर्म करेंगे, पर शर्त है कि आपका फोकस ना हटने दें। अगर आपका फोकस हट गया तो मुश्किल है, और मैं चाहूंगा कि जिस तरह इन बच्चों ने अपना परफॉर्म बनाया, अभी सारे बच्चों का भी रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, वैसे ही आप निमसेट के रिजल्ट के बाद इम्पीटस में दिखें, पोस्टर में दिखें, अवार्ड लेने आए मुझसे, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो अब आपको इसी की तैयारी करनी है। तो अब मैं बात करता हूं सबसे पहले कि सीयूटी को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपके स्कोर के बाद भी आपको ये नहीं पता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा कि नहीं। पर जो मैंने आपको याद हो पेपर के समय बताया था, एक्सपेक्टेड वही बात है, ड्यू के लिए जनरल कैटेगरी में 225 प्लस पर ही चांसेस बनते हैं, जो मैंने बोला था, और वही होने वाला है 225 से 250 के बीच में, और आप देख भी रहे। अब ये जनरल कैटेगरी है, अगर इसी में ईडब्ल्यूएस कर दें हम तो -10 नंबर कर सकते हैं, ओबीएस ओबीसी कर दें तो आप -30 के आसपास कर सकते हैं, 30 to 40, और अगर एससी एसटी है तो आप 100 तक भी माइनस कर सकते हैं, बट डिपेंड ऑन कैंडिडेट, क्योंकि अभी ये नहीं पता। एक्चुअल में सीयूटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये रैंक नहीं देता और आगे भी नहीं देगा, ये रैंक नहीं देता और आगे भी रैंक नहीं देगा, बी केयरफुल, मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर अपने क्वेश्चन पूछना। पहले मैं कुछ बातें बता दूं, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस को सुनूंगा। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली वो भी मुझे पता है, क्योंकि आप निमसेट की तैयारी कर रहे हैं। अब ड्यूरिंग निमसेट एग्जाम, मतलब बिफोर निमसेट एग्जाम, 8 जून या 15 जून तक अगर किसी कॉलेज के फॉर्म ओपन हो गए, उन्होंने लिस्ट निकाल दी, तो क्या करेंगे, सब आपके डाउट हो सकते हैं। सुबह से आप भेज रहे हैं, सुबह से ही बच्चे मुझे आप लोग रिजल्ट भेज रहे हैं या आपके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ भेज रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वो आपका जेन्युइन क्वेश्चन है, वो समझ में आता है। तो सबसे पहले रैंक नहीं है, तब क्या, तो देखिए जिन यूनिवर्सिटी के लिए सबसे ज्यादा बच्चे ध्यान देते हैं उसमें नंबर वन है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिससे आप मास्टर एमसीए कर सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू। नंबर 3 बनारस यूनिवर्सिटी, एपीजी अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा ढेरों यूनिवर्सिटी हैं। अगर आपके नंबर 50 भी हैं तो आपको कॉलेज तो मिल जाएगा, बट बात वही है कि बात प्लेसमेंट की है, अच्छा प्लेसमेंट भी मिले, अच्छा एनवायरमेंट भी मिले, अच्छे बच्चे भी मिले, तो कुछ टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में नंबर ऑफ सीट्स बहुत नहीं है, और ऑब्वियसली अगर सबसे पहले आप एमसीए करने का सोचेंगे तो दिल्ली में ही सोचेंगे। अब आपका निमसेट में टॉप रैंकर है, अगर आप निमसेट के थ्रू एनआईटी त्रिची या सूरत कल जाने वाले हैं तो अब अलग बात है, अदरवाइज आप चाहेंगे कि आप डीयू में जाए, और ठीक भी है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो मैं बताने वाला हूं, तो डीयू में अनरिजर्व सीट है 23,
एससी के लिए है 9, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 16, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट्स है, राइट। यानी इतनी ही सीट्स है। अब इतनी सीट्स के लिए कंपटीशन है, आप सोच लीजिए कि अब ये मान के चलिए कि जो बच्चे टॉप स्कोरर होंगे, टॉप 100 स्कोरर जो होंगे, 100 से 200, 150 मान सकते हैं क्योंकि कई बच्चे एनआईटी में जाएंगे, पर 100 से 150 के बीच में जो बच्चे होंगे टॉप, मतलब जिनके 225 या 230 के ऊपर स्कोर होंगे, उनको बहुत हाई चांसेस हैं कि वो डीयू मिले उनको। फिर बात करते हैं कि डीयू में एक डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस भी होता है जो कई बच्चे लेते हैं, जिसके लिए अनरिजर्व में 12 सीट है, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, अनरिजर्व 11, कैटेगरी 2, 5, 2, 8, 3। ये तो हुआ दिल्ली का, राइट। अब बात करते हैं दिल्ली के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, जहां पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 58, उतनी ही डीयू में थी, तो अनरिजर्व 23, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 और ओबीसी के लिए 16 और पीडब्ल्यूडी के लिए भी 3 सीट्स हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी 58 सीट्स हैं। फिर आते हैं बीएचयू में, तो बीएचयू में एक्चुअल में दो कैंपस हैं, एक कैंपस की फी ज्यादा है जिसको राजीव गांधी कैंपस बोला जाता है, जिसमें टोटल मिला के 57 और 25 टोटल सीट्स हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। फिर बात करते हैं एमएमएमयूटी की, जहां पर 75 सीट का इंटेक है। फिर बात करते हैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन रहेगा कंप्यूटर साइंस ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आईईटी लखनऊ, यहां पर भी 60 लोगों का इंटेक है। कमला नेहरू, इसमें भी 60 लोगों का इंटेक है। यानी इस तरह से कुछ बेसिक चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब आपके जो क्वेश्चन है कि आगे क्या होगा, देखिए अभी आपका स्कोर कार्ड आया है, इस स्कोर कार्ड के बेस पर आप अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे और हर यूनिवर्सिटी अपना नोटिफिकेशन निकालेगा, और जब जब मेजर यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन निकालेगी, इम्पिटस आपको डेफिनेटली टाइमली इन्फॉर्म करेगी, सारी चीजें बताएंगी भी कि क्या करना है। बट फिर बोलूंगा, अगर आपका टारगेट एनआईटी है तो अपने टारगेट से बिल्कुल फोकस ना हटने दें, क्योंकि कई बच्चे सुबह सर इस पे क्या मिल जाएगा, थोड़ा एक आइडिया तो लग जाए, अरे अगर आपको जाना ही एनआईटी है तो क्या मिल जाएगा, इसका लॉजिक नहीं है। अब मैं बात करता हूं, फिर भी अगर डीयू की बात करूं तो डीयू में मैं मान के चलता हूं कि 225 अबव जा सकता है, क्योंकि आप देख ही रहे 250 प्लस स्कोर आया है, टॉपर्स के स्कोर्स हैं जो हमारे पास हैं, और आप देख भी रहे हैं एमपीटस के ही बच्चे हैं। तो आप ये बात समझ लीजिए कि डीयू में 225 अबव जाने के चांसेस हैं, और अगर कैटेगरी वाले हैं आप तो डिपेंड, अगर ओबीसी हैं तो हो सकता है 190 प्लस भी जा सकता है, पर सीट्स बहुत कम है, ध्यान रखिएगा। और ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो 10 एक नंबर का डिफरेंस आता है, एससी एसटी पे काफी डिफरेंस आ जाता है। फिर बात करें बीएचयू या जेएनयू की, तो ये 200 प्लस जनरल कैटेगरी में जाएगा। अब मान लीजिए आपका स्कोर 130 है और जनरल कैटेगरी है, तो इस कॉलेजेस के चांस तो नहीं है। अच्छा, इन बीएचयू और जेएनयू के बाद आता है एपीजे अब्दुल कलाम और मदन मोहन मालवीय, यहां पर भी 160 से 190-180 के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में क्या दिक्कत है बेटा इसमें कि हमें ये नहीं पता कि कितने कैंडिडेट हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि 32,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है, और 32,000 बच्चों ने एग्जाम दिया तो किस मार्क्स पे कितने, ये एक सीयूटी में सबसे बड़ा घोटाला है। मैं तो ऐसे घोटाला ही मानता हूं, क्योंकि आपको रैंक दी होती तो आप बहुत ही कंफर्ट जोन में होते, आपको पता आपकी रैंक 10 है, आपकी रैंक 1 है, आपकी रैंक 20 है, आपकी रैंक 30 है, तो आप बड़े आराम से ये बोल सकते थे कि, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपकी रैंक मान लो 30, 40, 50, 100 तक भी है तो डीयू मिल जाएगा, क्योंकि हर बच्चा डीयू नहीं लेगा ना, कुछ एनआईटी में भी जाएंगे, ऐसे बीएचयू और जेएनयू पर यहां पर रैंक नहीं दी जाती। तो आपको इंडिविजुअल कॉलेज के लिए फॉर्म भरना होगा। आप समझिए प्रोसेस क्या है, डीयू अपना एक नोटिफिकेशन निकालेगा, डीयू जेएनयू अपना एक नोटिफिकेशन निकालेगा, बीएचयू अपना निकालेगा। अच्छा, आप लोगों ने पूछा था एचबीटीयू को आईपीयू को लेके, याद रखना एचबीटीयू और आईपीयू के एडमिशन अभी भी निमसेट के थ्रू होंगे, अगर निमसेट से सीट नहीं भरी तो वो सीयूटी के स्कोर को कंसीडर करेंगे एज पर न्यूज, बाकी डिपेंड करता आने दो नोटिफिकेशन। तो यस, अब ये अपने अपने नोटिफिकेशन निकालेंगे, ऐसे ही एपीजी अब्दुल कलाम निकालेगा। अब नोटिफिकेशन निकालने के बाद आप अपने स्कोर कार्ड के बेस पर इसमें अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करने वाला बच्चा 250 वाला भी हो सकता है, अप्लाई करने वाला बच्चा 200 वाला भी हो सकता है, 100 वाला भी हो सकता है, 115 वाला भी हो सकता है, 60 नंबर वाला भी हो सकता है, 70 नंबर, कोई भी नंबर वाला हो सकता है। अप्लाई करने के बाद सपोज उनके पास 4000 फॉर्म पहुंचे, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे
4000। अब इन 4000 में जो टॉप स्कोरर हैं उनको सबसे पहले कॉलेज अलाउट होगा, और जितनी सीट से लगभग उतनी ही और उससे डबल वो वेटिंग देते हैं, क्योंकि कई बच्चे एडमिशन नहीं लेते। अगर वेटिंग के बाद भी बच जाए तो अगले नंबर पे जाएंगे। यानी सारा खेल इस बात पे कि अप्लाई कितने बच्चे करते हैं। तो ये भी एक बहुत कॉमन प्रोसेस है कि कई बच्चे भले ही 200 नंबर है, 220 पर हो सकता है बीएचयू के लिए अप्लाई ना करें क्योंकि उनको एनआईटी जाना है, तो आप पिछले नंबर वाले को भी फायदा मिल सकता है। बट ये सब पिक्चर अनसर्टन है, कुछ भी क्लियर नहीं होता है इसमें, और इसका प्रोसेस चलता रहता है अगले 2-3 महीने। अब यही होने वाला है। अब मैं चाहता तो यही हूं दिल से, और कोशिश होना भी यही चाहिए कि निमसेट के एग्जाम के बाद अगर इन्होंने फॉर्म ओपन किए तो आपके लिए अच्छा है, पर सोचो अगर निमसेट के पहले किए तो आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद अगर उन्होंने अलॉटमेंट कर दिया वो भी, ये वेटिंग है तो भी, ये सब प्रोसेस चलता रहेगा। तो अगर इस प्रोसेस में आप ज्यादा ना उलझे, मैं आपको गाइड करता ही हूँ। आप मेजिकल से जुड़े होंगे, आप मास्टर से जुड़े होंगे, आप हो सकता है फास्ट ट्रैक से जुड़े हो, आप रेगुलर कोर्स से जुड़े हो, आपको हर बैच में मैं ऐप पे सब बताता रहता हूँ। यूट्यूब पे भी कुछ मेरी रेगुलर क्लास हो ही रही, वहां पे भी आपको बताऊंगा। तो इसलिए कोई ऐसी पैनिक होने वाली बात नहीं है या परेशान होने वाली बात नहीं है, बस बात इतनी सी है कि आपको इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। दूसरी बात, एक ये एग्जाम का रिजल्ट कहीं ना कहीं आपकी आई ओपनिंग के लिए भी जरूरी था, मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए मैथ्स और कम एलआर को मिला के 46 क्वेश्चन थे। मैथ्स के लगभग 32 थे, एलआर के 12 थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे मैथ्स और एलआर के कॉमन थे, पर ओवरऑल 46 थे। 29 कंप्यूटर फंडामेंटल थे। अगर आप में से किसी बच्चे ने बोला मुझे, जिससे कई बच्चों ने, कि कंप्यूटर नहीं पढ़ी थी, ओके कोई बात नहीं, वैसे तो पढ़नी चाहिए थी क्योंकि पूरी इंपिटस में करवाई थी, और डिट्टो सेम क्वेश्चन आए, 15 क्वेश्चन सेम थे, बाकी वही सिमिलर क्वेश्चन थे, इससे ज्यादा यूनिक चीज कोई और हो नहीं सकती। आप खुद सोच के देख लीजिए, आपके पास अगर मटेरियल होगा तो आप मिला भी सकते हो। तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले 46 क्वेश्चन की। अगर 46 क्वेश्चन मैथ्स और एलआर के इस लेवल के थे कि आपने इससे 10 टाइम टफ तो ऑलरेडी पढ़ा था, तो कम से कम आपका स्कोर 160 प्लस तो होना चाहिए था, और 160 से लेकर 200 तक हो सकता था। पर अगर आपका स्कोर कम है या आपसे रॉन्ग ज्यादा हुए तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, आपके लिए खतरे की घंटी है। इसके पहले कि निमसेट के एग्जाम में आप कुछ गड़बड़ करें, इस रिजल्ट से अपने आप को सुधार लें। इस रिजल्ट से अगर अपने आप को सुधार लेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अब सुधारना क्या बताता हूं, आपके पास अगर केवल आपने मैथ्स किया तो 46 क्वेश्चन थे, 105 मिनट का टाइम था, मोर देन 2 मिनट का टाइम था, और क्वेश्चन ऐसे थे कि 1 मिनट में हो जाए, फिर भी इन क्वेश्चन में कई बच्चों ने 5-5, 10-10 गलत कर दिए। घबराने की कोई बात नहीं है, जो हो गया हो गया। अब इस एग्जाम का पहले होना और रिजल्ट आना और 2-3 महीने का गैप होना, मैं मानता हूं ये आपके लिए एक तरह से लॉटरी है। पिछले साल सीयूटी और निमसेट के एग्जाम में 1 वीक का डिफरेंस था, बट इस बार जो 3 मंथ्स का गैप है आपके लिए, आप में से कई बच्चे होते, देखो लिमिटेड सीट्स है, 1000 बच्चे एनआईटी में जाने वाले हैं। अब 1000 बच्चे जाने वाले हैं तो इसका मतलब है कि जिन बच्चों को ये बात समझ में आ रही है वो तो चले जाएंगे, जिनको नहीं आएगी वो गड़बड़ कर देंगे। तो आप सोचिए कि ये इतना बड़ा मौका मिला है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको कैश करिए। आप खुद देखिए कि अभी आपकी पर डे 2 से 3 और कई बार 4-4 क्लासेस हो रही है। सिलेबस को आज भी मैं डिटेल में कवर करवाने वाला हूं और 30 मई तक कवर करवा दूंगा, ये मुझे पता है। निमसेट का सिलेबस प्लस आपके टेस्ट रेगुलर हो रहे हैं, प्लस आपके टेस्ट पेपर के लाइव एनालिसिस हो रहे हैं, कंप्यूटर की क्लासेस हो रही हैं, क्योंकि इस बार सेक्शन टेस्ट है। तो जब आप समझिए कि पिछले साल तक और इस साल में अंतर क्या है, पिछले साल क्या हो रहा था कि एक बच्चा पूरे 120 मिनट भी मैथ्स करके एग्जाम में टॉप कर रहा था और 600 नंबर तक लाने की कोशिश कर रहा था, 120 मिनट भी, या 120 मिनट में एलआर और कंप्यूटर और जितना मैथ्स बन रहा था वो कर रहा था। पर अब ऐसा नहीं है। अब जिस समय बच्चा मैथ्स कर रहा है, पूरे इंडिया का बच्चा मैथ्स कर रहा है, कितनी यूनिक चीज, और 70 मिनट का ही विंडो है। अब इस विंडो को हमने तो जनवरी से ही सेक्शन टेस्ट स्टार्ट कर दिए थे, बच्चों ने बहुत फायदे भी उठाए क्योंकि उनको आदत थी जनवरी से निमसेट का नोटिफिकेशन, तो बहुत बात की कहानी है। इसके बहुत पहले सौरभ, अभी मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, इसके बहुत पहले ही उन्होंने अपनी तैयारी करी थी। तो पर 70 मिनट की विंडो में आप कैसे स्कोर करेंगे, कौन से सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है, ये सब टेक्निक्स हो रही हैं, इनका फायदा लीजिए।
क्योंकि 70 मिनट में अगर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन दो चार भी गलत हुए, मैं बता रहा हूं होशियार बच्चा भी रह सकता है, और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन सही हुआ तो कम पढ़ने वाला बच्चा भी आगे निकल सकता है। इसलिए अभी अगले 2 महीने जो टेस्ट हो रहे हैं उन पर काम करिए। आप लोगों को इसलिए बार बार बोल रहा हूं, टेस्ट दीजिए, उनका एनालिसिस लाइव क्लास अटेंड करिए, इज मस्ट, ये बहुत जरूरी है। और इस पेपर के बाद जैसे कुछ बच्चे जिनके स्कोर कम आते हैं, सर डिप्रेस हो रहा हूं, सर समझ में नहीं आ रहा, सीयूटी में नहीं हुआ तब क्या होगा, कोई ऐसा नहीं होता, सीयूटी में नहीं हुआ तो निमसेट में परफॉर्म नहीं करोगे, कर सकते हो। एक मैच हारने के बाद दूसरी टीम हारने के लिए नहीं, फिर से जीतने के लिए खेलती, वही सोच रखो कि चलो अच्छा हुआ सीयूटी में जो गड़बड़ होनी थी अब मैं निमसेट में नहीं करूंगा। दिस एक्चुअल में ये शॉर्ट प्रोसेस होना चाहिए। ऐसे ही जब एलआर कर रहा होगा हर बच्चा, तो हर बच्चा इंडिया का एलआर कर रहा होगा जब कंप्यूटर इंग्लिश कर रहा होगा, इसलिए हर सेक्शन पे हमें ध्यान देना है, और वही करा जा रहा है इंपिटस में। इसलिए हर दिन 2 से 3 4 क्लासेस तक हो रही है, जो यूनिक बात है, कहीं नहीं हो सकता। पेपर के लाइव एनालिसिस सब कुछ हो रहा है, इसलिए समझिए। अब आपके क्वेश्चन की बात करते हैं फिर से। अब मैं अपनी टीम के साथ भी, और मैं देखता चलता हूं आप लोगों के जो क्वेश्चन है आप बिल्कुल पूछिए, मैं आपके क्वेश्चन के जवाब देता चलूंगा। देखिए 108 डीयू पे एनी चांस की बात, 208 पे डीयू मिल सकता है, 208 पर डीयू मिल सकता है, डिपेंड कि डीयू ने कितने एप्लीकेशन भरे, बट बहुत ही मतलब ये मान के चलिए कि रियल चांसेस तो हैं, ये बात ध्यान रखना। सेक्शनल मार्क्स में 415 मार्क्स अच्छे हैं कृष्णा, 400 अच्छे हैं, 70 ओबीसी पर बेटा बहुत मुश्किल है कुछ मिले, 127 जनरल पे, कॉलेज तो मिलेगा, कॉलेज तो मिलेगा, कॉलेज की चिंता छोड़ दीजिए, कॉलेज तो कोई ना कोई मिलेगा बेटा, उसकी चिंता मत करिए, कोई ना कोई कॉलेज मिलेगा। बट 109 एससी पर आपको बहुत हाई चांसेस है बेटा, और प्लीज जिन बच्चों के जवाब दे दूं वो ना पूछे। अनुष्का 109 एससी पर बहुत हाई चांसेस है कि आपको डीयू तो थोड़ा कम है पर जेएनयू या बीएचयू मिल सकता है, ये जो 5 लिखे हैं इसमें से कोई मिलेगा अगर आपकी कैटेगरी है तो। पवन एक गलती कभी मत करना, अगर आपको भले ही कॉलेज मिल रहा है, एक मिनट पवन मैं आपकी बात सुन रहा हूं और आप मुझसे डायरेक्ट भी बात करना, 249 पर पवन डेफिनेटली आपको डीयू मिलेगा, बट निमसेट की प्रिपरेशन नहीं छोड़ना है बल्कि और ज्यादा मेहनत से देना है। बिकॉज एक तो आपको निमसेट में क्या मिलता है आपको ये पता चलेगा, सपोज त्रिची मिलता है या सूरत का मिलता है तो मैं बोलूंगा एनआईटी टेक थोड़ा ज्यादा बेटर होता है यूनिवर्सिटी के कंपेयर में, पहली बार। दूसरी बात, जब आज से 2-3 साल बाद कैंपस प्लेसमेंट होता है तो आप बताते हो कि मेरा एनआईटी में भी था डीयू में भी था पर मुझे डीयू बेटर लगा तो मैं वहां गया, ये आपके प्लेसमेंट में कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है आपके पैकेज में भी। इसलिए हर वो बच्चा जिसके स्कोर 225 के ऊपर है उनको इन कॉलेज में मिलेगा, बट माय पर्सनल सजेशन निमसेट जरूर दीजिए, ये आपके लिए लॉन्ग। अगर आपके 110 नंबर आते हैं ना मैं कहता मत दो, कोई बात नहीं एक सिवा, पर आपके नंबर जो हैं वो ये बताते हैं कि हो सकता है आप निमसेट निकाल लें अच्छी रैंक के साथ, और ये रैंक आपके लिए बूस्टर का काम करेगी, और दूसरा आपके पास उस समय ये ऑप्शन भी रहेगा, इसलिए ये गलती मत करिएगा। दो और 211 ओबीसी ड्यूब मिल जाएगा, बहुत हाई चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है। 207 ईडब्ल्यूएस डीयू के थोड़े लो चांस है, मतलब लो चांस बोलू तो 10-20% ही है, डिपेंड ऑन एप्लीकेशन कितने आते हैं। 178 ओबीसी पर जेएनयू के चांसेस लो है पर मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले, मतलब डीयू तो आप बोलोगे तो मैं कहूंगा नहीं मिलेगा। देखो ये सारा खेल इस बात का है कि आप समझिएगा अगर एप्लीकेंट कितने हैं, अप्लाई कितने कर रहे हैं, सब कुछ इस पे है, पर मैं एक टेंटेटिव प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड को देख के आइडिया दे रहा हूं, और अगर मैं आपको आइडिया दे रहा हूं तो आइडिया मेरा काफी सटीक रहता है, तो काफी हद तक चांसेस हैं, बट फिर भी कितने नंबर पे कितने लोग हैं वो हमें क्लियर नहीं है, और ना वो क्लियर होता है ना सीयूटी करता है। आप सोचिए अभी से सुबह से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, हम रिजल्ट तक भी कंपाइल नहीं कर पाए, तो कितने बच्चे हैं ये समझने की कोशिश करिए। प्रशांत 233 पे, प्रशांत 233 पे डीयू मिल जाना चाहिए, मिल जाएगा। शशांक सॉरी सॉरी
मैं पढ़ते हुए चल रहा हूँ बेटा, आपकी बात भी। ओबीसी 175 पे डीयू और बीएचयू में, बीएचयू और जेएनयू के चांसेस हैं, डीयू के नहीं है। वैक्टर अगर आदित्य समझ में नहीं आ रहा तो वैक्टर मैंने अभी पढ़ाया नहीं, वैक्टर में पढ़ाऊंगा मई में, वैक्टर और 2D पढ़ाने वाला हूं, पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, 100% आएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। 162 बीएचयू ईडब्ल्यूएस एनी चांस, ओनली 10%। आराध्य ठाकुर आकाश 115 जनरल पे तो बहुत ही सिमिलर सा मिलेगा। ट्रेवलर 270 ओबीसी डीयू जेएनयू 207 ओबीसी पर, डीयू के वेरी लो चांस, जेएनयू के वेरी वेरी हाई चांस, वेरी वेरी हाई चांस, नो डाउट, वेरी वेरी हाई चांस। आप पूछते चले, मैं सभी के मैसेज देख रहा हूं बहुत ध्यान से। 196 एमएससी 196 पर आपने किसी ने लिखा, एक मिनट में एकदम नीचे चला जाता मैसेज, 196 एमएससी मैथमेटिक्स जनरल बीएचयू मिल जाएगा, अंबर मिल जाएगा, 169 ओबीसी बीएचयू के चांस हैं, 194 ओबीसी पर डीयू लो चांस, वेरी वेरी लो चांस, 84 एमए इंग्लिश मिल जाएगा तेजपुर यूनिवर्सिटी में, 207 ओबीसी डीयू जेएनयू, डीयू वेरी लो चांस, जेएनयू 100% चांस, 220 ईडब्ल्यूएस पे डीयू के चांस काफी हाई है चिराग, 236 पर जेएनयू वो मिल जाएगा डीयू बेटा। अब देखिए ये आप लंबा लिख रहे हैं, इससे समझ रहे होंगे आपके कितने बच्चे हैं इतने 225 के ऊपर, ऑब्वियसली जो 225 के ऊपर जितने ज्यादा कैंडिडेट होंगे और उन कैंडिडेट में जितने अप्लाई करेंगे डीयू में, उसमें पहले 58 को वो लेंगे, बाद की लिस्ट को वेटिंग देंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने बच्चे उसमें अप्लाई करते हैं, पर मेरा जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सटीक है कि 225 प्लस पर ही, मान के चलिए जनरल वालों को बोल रहा हूं, 225 प्लस पर जनरल कैटेगरी में ही डीयू के चांस बनते हैं, और 200 प्लस पर ही जनरल कैटेगरी में बीएचयू या जेएनयू के चांस बनते हैं, और बाकी के जो दो कॉलेज लिखे हैं एपीजी और मदन मोहन, ये आप मान के चलिए 180 से 200 प्लस पर, और इसमें आगे भी जा सकते हैं। और मैं फिर बोलूंगा ईडब्ल्यूएस में केवल -10 करिए, ओबीसी पे -30 तक कर सकते हो, और एससी एसटी पर -100 तक कर सकते हैं, पीडब्ल्यूडी पे -150 तक कर सकते हैं, ये एक जनरल सिनारियो है, इसमें प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अब जा सकता है, लो के चांसेस बहुत कम है, अब जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, 100 एससी पर जेएनयू बीएचयू के बहुत चांस है सुनील, वेरी वेरी हाई चांस, 190 एमएससी मैथमेटिक्स ईडब्ल्यूएस बीएचयू में कैंपस मिल जाएगा, मिल जाएगा आकाश। और बेटा आपका जिनका जवाब दे दूं प्लीज, वो लोग ध्यान रखें, अंशु 198 ओबीसी पर डीयू के चांसेस बहुत हाई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि 198 पर ओबीसी वाले हो आप, बट 50-50 मान के चलिए, 50-50 मान के चलिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आपके मैसेज को पढ़ता है। 207 ओबीसी पर आपको डीयू के काफी चांस हैं, पर जेएनयू बीएचयू के तो लगभग मान के चलो मिल ही जाएगा, एंड डिपेंड ऑन अप्लाइंग। देखिए सारी बातें अनुमान है, पर अनुमान काफी हद तक सही होते हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ते ही इसलिए, और इनफैक्ट अभी प्रोबेबिलिटी ही चल रहा है, आप लोग देख रहे हो। अच्छा याद रखिएगा, इस बार मैक्सिमम क्लास ऐप पे ले ही इसलिए रहा हूं कि बच्चे जरा कंफर्ट जोन में रहते हैं, अपने पेपर्स वगैरह बाकायदा देते हैं, एनालिसिस भी करते हैं और फोकस होकर पढ़ाई करते हैं। वो अलग कोर्स है पर मिल जाएगा बेटा, जो अलग अलग ब्रांचेस उसमें तो मिल जाएगा। सचिन झा 183 ईडब्ल्यूएस पे ओबीसी वो बीएचयू वगैरह मिल जाएंगे आपको, 216 ओबीसी पर जेएनयू में वो डीयू मिल जाएगा, मिल जाएगा डीयू बेटा, 183 ईडब्ल्यूएस पे कम चांसेस। देखो क्या है कि आप लोग मेरी बात थोड़े सुन नहीं रहे, अब आप में से उन सभी बच्चों को जो कि निमसेट एलिजिबल हैं और निमसेट का पेपर दे रहे हैं, बी केयरफुल, रिजल्ट आ चुका है, स्कोर कम है तो निमसेट में ध्यान मार दो। अभी भी मैं देख रहा हूं कि मैजिकल कोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्स या मास्टर टेस्ट सीरीज में रोज कई सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं, और जब लेते हैं और पढ़ते हैं तो बोलते हैं सर हमें तो उम्मीद नहीं थी कि इतना डिटेल में अभी भी सिलेबस हो सकता है, और हो रहा है, क्योंकि 4 से 6 घंटे क्लास, उतना ही आपको पढ़ना है, टेस्टिंग उनकी, लाइव एनालिसिस, असाइनमेंट, सब कुछ हो रहा है। मौका है, अभी भी हाथ से मत जाने दीजिए, आज भी 55 डेज हैं, मैंने आपको एक 60 डेज का प्लान बताया था, उसी प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, आज भी आपके पास इतना समय, कोशिश करिए,
कोशिश करिए, एक पॉजिटिव माइंड से कोशिश करिए, भटकिए मत। लगभग आपके सभी क्वेश्चन के जवाब भी दिए हैं, फिर भी एक बार लास्ट में एक बार 212 पे ओबीसी मिल जाएगा बेटा, सतीश मिल जाएगा बेटा, 122 एससी पर डीयू जेएनयू बीएचयू में कोई ना कोई जरूर मिलेगा, 145 ओबीसी पर एमएससी मैथमेटिक्स के चांस हैं। और जिनके जवाब दे रहा हूं वो लोग आगे बढ़ते जाएं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बेटा, प्रोबेबिलिटी खत्म होते ही स्टार्ट हो जाएगा। अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट एवरेज है। देखिए एक बात बता दूं मैं, अभी का सिनारियो एनआईटी को छोड़ दें, एनआईटी में भी थोड़ा सा 100% नहीं है, पर क्योंकि ओपन कैंपस जॉब मिल जाता है एनआईटी टेक की वजह से, तो प्लेसमेंट, क्योंकि देखिए जब भी कुछ नए कोर्स है जैसे एआई के आने से थोड़ा इफेक्ट आता है, पर वो बहुत शॉर्ट टर्म होता है, तो चिंता की बात नहीं है। पर अब्दुल कलाम में या मैं बात करूं मदन मोहन मालवीय में, तो एवरेज प्लेसमेंट्स हैं 50-40-50%, पर जहां पे इतना भी परसेंटेज प्लेसमेंट है तो काफी अच्छा प्लेसमेंट माना जाएगा। तो मुझे लगता है मैंने जो आपको बात बताई, अब एंड करता हूं, एक बार फिर से बता दूं कि सबसे पहले तो सारे बच्चों को जिन्होंने सीयूटी में टॉप परफॉर्म किया उनको ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार, और जो बच्चे बाई चांस रिजल्ट नहीं ले पाए परेशान मत होइए, अभी आपके पास एक मौका है डीयू और जेएनयू निकालने का, वो सॉरी निमसेट का एक मौका है, अभी भी आप 50-55 दिन अगर एनआईटी की अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो हो सकता है कि आप एनआईटी या निमसेट में अच्छी रैंक ला पाएं। अब बात करते हैं जो आपके क्वेश्चन थे मेनली, वो क्वेश्चन ये थे कि सर डीयू जेएनयू या बीएचयू में क्या होगा। मैं आपको फिर बता दूं कि इनके या मदन मोहन मालवीय एकेटीयू, इनके सबके अलग अलग नोटिफिकेशन आएंगे, आपको अप्लाई करना होगा, जितने बच्चे अप्लाई करेंगे उनके स्कोर के बेसिस पर वो एक लिस्ट डिक्लेयर करेंगे और वेटिंग लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, और जो जो बच्चा एडमिशन ले लेगा ठीक है, नहीं लेगा तो वेटिंग क्लियर करते जाएंगे, ये प्रोसेस चलता रहेगा। सीयूटी के थ्रू एडमिशन का लगभग 3-4 महीने, 2-3 महीने चलते ही चलते हैं। हम कोशिश हम चाहते यही है कि अगर ये निमसेट के रिजल्ट के बाद हो, एग्जाम के बाद हो तो अच्छा है, पर बीच में भी हुआ तो मैं आपको टाइमली इन्फॉर्म करूंगा, परेशान मत होइए। आपके स्कोर पे जो जो पॉसिबिलिटी है वो मैंने बताई है। जो बच्चे अभी अभी सेशन में जुड़े एक बार स्टार्टिंग से सेशन को देख लें, फिर भी कोई डॉट हो डाउट हो कमेंट्स में भेजें, आपके पास आप भेजेंगे तो मैं अगले सेशन में अगले वीक लूंगा ही, वहां पे भी आपको बताऊंगा। हर वीक आपके साथ सेशन हो रहा है, अभी आपका प्रोबेबिलिटी एंड होने के बाद फिर 2D, 2D के बाद वेक्टर, वेक्टर स्टेटिस्टिक्स एंड अदर एंड ट्रिग्नोमेट्री, खत्म होती कैलकुलस एंड एल आर क्लास, कंप्यूटर क्लास, वीकली टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, एल आर टेस्ट, सब कुछ हो रहा है। कोशिश करिए अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन वो सभी बच्चे जिन्होंने सीयूटी में परफॉर्म किया। और एक और बात बता दूं, आपके चाहे नंबर 100 हो, चाहे 50 हो, चाहे 150 हो, सीयूटी में इतने कॉलेज है कि कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, बट अभी कंप्रोमाइज मत करिए, अभी इमसेट की एनआईटी की पढ़ाई करिए जिसके थ्रू आप एक अच्छा एनआईटी ले सके। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।